एमसीडी में फैले भ्रष्टाचार को मिटा सकती है दिल्ली की जनता, कैसे बता रहे हैं खुद मेयर। सर, आसिम अहमद खान वाले मामले से इतना तो साफ है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन एरिया में हो रही थी। आज भी जो कर्मचारी थे एमसीडी के, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जैसे आसिम खान का मामला जो हमारे सामने आया, हमने उसके ऊपर एक सीवीसी की जांच बिठाई है, जिसकी रिपोर्ट 10-15 दिन में हमने बोली थी, और उस रिपोर्ट के एक बार आने का इंतजार है। उसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार में या किसी प्रकार के उस इशू में लिप्त पाया जाता है, तो 100% उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एमसीडी के चुनाव भी आने वाले हैं, और जिस हिसाब से भ्रष्टाचार है एमसीडी में, क्या आप वापसी देखते हैं? नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार एमसीडी में नहीं, भ्रष्टाचार सब जगह है। आप मुझे बताइए कि कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार को ख़त्म करना आपका और हमारा जिम्मेदारी है। उसके लिए हम काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। दिल्ली नगर निगम ने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कमर कसी है, और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए हमने अपनी मेयर हेल्पलाइन लॉन्च की है, जिसके ऊपर अनेकों अनेक कंप्लेंटें आती हैं, और उसके ऊपर हम कार्रवाई कराते हैं। कोई इनलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ आती है, कोई बनवाने के, कोई तुड़वाने के, इस प्रकार की अनेकों अनेक कंप्लेंटें आती हैं। हम उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, और कार्रवाई ही हमारा उद्देश्य है कि जिससे कि आगे आने वाले समय में हम दिल्ली की जनता को एक स्वच्छ प्रशासन दे सकें। एमसीडी के जो अधिकारी और कर्मचारी है, जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, उसी की वजह से एमसीडी बदनाम होती है, कहीं ना कहीं राजनेताओं की आप जैसे लोगों की छवि भी खराब होती है। बिल्कुल ठीक बात है, ये इसमें कोई दोराय नहीं है। हमारी छवि के ऊपर भी कहीं ना कहीं आँच आती है, लेकिन साँच को आँच नहीं होती। अगर आप सच्चाई के साथ अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो आपको किसी प्रकार के किसी आरोप की और प्रत्यारोप से डरने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ होगा तो वो सामने आएगा, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। अगर हम आपको कुछ ऐसे एविडेंस दें जहाँ एमसीडी बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो खुद कबूल कर रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे करप्शन में इन्वॉल्व हैं, और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उनके साथ, तब उनके खिलाफ एक्शन लेंगे? बिल्कुल 100% ऐसे इन्वॉल्वमेंट। अगर कोई भी आपके ध्यान में ऐसा संज्ञान में कोई विषय आता है, तो आप हमारे पास उसकी डिटेल ला सकते हैं, और हमारी मेयर हेल्पलाइन पे उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। मेयर हेल्पलाइन सभी दिल्ली के लोगों के लिए, इसी के लिए रखी गई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए करी गई है। बेखौफ उसके ऊपर कोई भी कंप्लेंट समेत किसी के भी, भले ही मेरे खिलाफ क्यों ना हो, उसको भी आप वहां पर डाल सकते हैं, और उसके ऊपर निष्पक्ष जांच की जाएगी। मेयर हेल्पलाइन नंबर क्या है? 96430 96430 96430 96430। कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी आपके ऊपर भी आरोप लगा रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने फिर आपको कहा, आरोप किसी पे भी लगाए जा सकते हैं। हम किसी भी प्रकार के आरोपों की जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी के आरोपों से हम डरने वाले लोग नहीं हैं, और हम लोग आगे बढ़ेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार होगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।